This could be good for me. Lately I was feeling like I. इंट्रो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज मैं किस प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज मैं इन 3 प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप लोगों को दूंगी। इसकी फुल डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगी, मतलब कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है और किस स्किन टाइप पर कौन सा प्रोडक्ट इनमें से सूट बैठेगा। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं मज़ीद से मज़ीद प्यारी से प्यारी अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो ठीक ठाक मज़े में हैप्पी होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेड के इस फेस वॉश की, स्किन ग्लो फेस वॉश। लेकिन इसकी फुल डिटेल बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, यानी कि बताना चाहूँगी। जो लोग मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने अपने चैनल पर पॉन्ड्स के 2 तरह के फेस वॉश का रिव्यू शेयर किया था। एक ड्राई स्किन वालों के लिए था और एक ऑयली स्किन वालों के लिए था। जो लोग ये वाला फेस वॉश यूज़ करते हैं ये बहुत ही बेस्ट, मैंने उसमें यही बताया कि ये बहुत अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। जिन लोगों ने मेरी पॉन्ड्स फेस वॉश के रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक अटैच कर दूंगी, जिस पर क्लिक करके मेरी वो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। सो खैर आते हैं अपने टॉपिक पर। बात हो रही थी जेड के इस फेस वॉश की और साथ में ही पॉन्ड्स के इस फेस वॉश की। जब तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया था, इसे मैंने ख़रीद कर इस्तेमाल नहीं किया था, तब तक तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता था और मैंने इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट ही बताए हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं जाकर। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तब तक मैं यही समझती थी कि इतनी अच्छी रेंज में, अफोर्डेबल रेंज में टीन एजर्स के लिए भी ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब मैंने इसे ख़रीद कर यूज़ करना शुरू किया, इस फेस वॉश ने इसको मात दे दी। देखने में ये दोनों प्रोडक्ट अंदर से सेम टू सेम ही हैं, देखने में सेम लगते हैं लेकिन यूज़ करने में सेम नहीं हैं। जो लोग पॉन्ड्स का फेस वॉश ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और जब वो जेड का फेस वॉश यूज़ करेंगे तो उन्हें यही लगेगा स्टार्टिंग में कि भाई ये तो सेम ही है, इसमें तो कुछ चेंजिंग ही नहीं है, क्योंकि अंदर से देखने में भी ये सेम ही है। स्टार्टिंग में सेम लगेगा लेकिन जैसे जैसे आप इसे आगे अपनी रूटीन में ऐड करते जाओगे तो ये कुछ कदम आगे निकलेगा इस फेस वॉश की निस्बत। मेरे ख्याल में यहाँ तक तो सभी लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा कि जिन्होंने अभी इस वाले फेस वॉश को नहीं देखा, इसका पता ही नहीं है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। जैसे कि मुझे पहले इसका नहीं पता था और मैं इसे ही बेस्ट कहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे यूज़ किया तो ये इसको मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन से परे हटा दिया और इसको ऐड कर दिया। फर्स्ट टाइम जब मैंने जेड के प्रोडक्ट्स देखे तो देखने में तो ये इसी तरह के लगते हैं कि जैसे कोई बाहर का ब्रांड है, क्योंकि नेम भी इसी टाइप का है और साथ में इन्होंने प्राइस भी मेंशन की थी। और ये देखकर मेरे जो एक्सप्रेशन थे ना वो इस तरह के थे, यानी कि मैं इनके प्रोडक्ट और प्राइस साथ में जो मेंशन थी वो देखकर मैं इतनी शॉक्ड हो रही थी और मैं सोच रही थी कि बाहर का ब्रांड और प्राइस इतनी कम, लेकिन जब मैंने देखा तो ये तो पाकिस्तानी ब्रांड है भाई, पाकिस्तान में ये ब्रांड मौजूद है, पाकिस्तान में भी ऐसी पैकिंग, वाह। खैर 3 मंथ पहले मैंने इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके मंगवाया था, लेकिन यूज़ मुझे 1 माह से ऊपर हो गया है। मैं इसे यूज़ कर रही थी सिर्फ ये देखने के लिए कि इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। सो मुझे लगा कि अब वो टाइम आ चुका है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इन प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा है। जेड के इस फेस वॉश की अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो बड़ी वेलवेटी टाइप की इसकी पैकेजिंग है। जैसा कि इसके ऊपर मेंशन है, स्किन ग्लो, इसके जो मेन स्टार इंग्रेडिएंट हैं पपाया विटामिन सी इसमें ऐड किया गया है। बैक साइड पर देखें तो इसके बेनिफिट बताए गए हैं, अप्लाई करने का मेथड और जो इंग्रेडिएंट इसमें मोर ऐड किए गए हैं वो भी ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सपायरी डेट भी इसके ऊपर मेंशन है। 100 ml प्रोडक्ट इस ट्यूब में मिलेगा। और सबसे मज़े की बात कि इसकी पैकेजिंग के ऊपर ही फेसबुक, इंस्टाग्राम वेबसाइट का लिंक भी ऊपर मेंशन कर दिया गया है, इवन के लोकेशन भी ऊपर मेंशन की गई है, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है। यूके, इंग्लैंड, लंदन, अब मुझे नहीं पता कि ये फॉरेन का ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इस फेस वॉश में अमीनो एसिड भी मौजूद है। ये स्किन की ऐसी ग़ज़ा होती है जो कि स्किन ख़राब हुई होती है उसे मरम्मत करता है, स्किन पर जो ज़ख्म हुए होते हैं उसे भरता है, जिल्द में जो नेचुरली तौर पर एक नमी होती है उसे बरकरार रखता है, सन रेज से जो स्किन डैमेज हुई होती है उससे भी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, जिल्द के माइक्रोबायोम की देखभाल करके जिल्द को मजबूत बनाए रखता है, जिससे स्किन बहुत सी प्रॉब्लम से
बची रहती है। जैसा कि इसके ऊपर भी मेंशन है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, एंटी ब्लेंचिंग के लिए बेस्ट है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइजर करता है। जैसा कि मेरी खुद की ड्राई स्किन है और मुझे एक माह से ऊपर हो गया है इस फेस वॉश को यूज़ करते हुए, ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बेहतरीन से भी बेहतरीन से भी बेहतरीन है। आंखें बंद करके आप इस फेस वॉश को बाय कर लो, सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए। ये डीपली क्लीन करता है फेस को, ब्राइटन अप करता है। जैसे जैसे आप इसे डेली रेगुलर यूज़ करते जाओगे, सिर्फ इसकी स्मॉल सी अमाउंट ही आपने लेनी है। इसकी पिंच सी अमाउंट ही एनफ है फेस वॉश के लिए। इसकी पिंच सी अमाउंट ही लेकर वेट हाथों पर लगाकर रब करो और अच्छा खासा झाग बना दीजिए कि जिससे आप अपने फेस को बहुत इजीली क्लीन कर पाओगे। 2 मिनट सर्कुलर मोशन में अपने फेस का मसाज करना है और उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। और आफ्टर वॉशिंग कोई भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपकी जो स्किन है वो टाइट हो गई है या ड्राइनेस फील होगी स्किन पर, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा। मोस्टली फेस वॉश में ये होता है फील, ऐसा होता है कि जो भी फेस वॉश हम यूज़ करते हैं उसे हमारी स्किन काफ़ी ड्राई टाइप की फील होती है, लेकिन इसके साथ ऐसा सीन नहीं है क्योंकि ये डीपली मॉइस्चराइजर फ्राम करेगा स्किन को। अब बारी है जेड के नेक्स्ट प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग देखिए, कितना क्यूट सा छोटू मोटू सा वाला है ना। जेड बॉडी लोशन के मेन स्टार इंग्रेडिएंट्स विटामिन ई पपाया एक्सट्रैक्ट्स ऐड किए गए हैं। बैक साइड पर देखें तो इसके इंग्रेडिएंट इसके ऊपर मेंशन किए गए हैं, एक्सपायरी डेट भी मेंशन की गई है। 30 ml प्रोडक्ट इस क्यूट सी बॉटल में मिलेगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, स्किन में होने वाले नेचुरल ऑयल को बैलेंस रखेंगे। नॉन ग्रेसी फॉर्मूला है ये, जो कि ड्राई स्किन को नरिशमेंट फ्राहम करता है। खुशबू इसकी बहुत लाइट है कि कोई इरिटेशन नहीं करेगी, बल्कि अप्लाई करने के बाद फील ही नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ अपने फेस पर अप्लाई की है, मतलब कि चिपचिपाहट भी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर अब देखा जाए कि इस प्रोडक्ट पर जो लोकेशन उन्होंने बताई है वो है कराची, पाकिस्तान, इसके ऊपर मेंशन किया गया है। जेड बॉडी लोशन, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन है कि ये बॉडी लोशन है, लेकिन मैं इसे अपनी बॉडी पर अप्लाई नहीं करती क्योंकि ये तो पहले ही इतना छोटू मोटू सा, गोलू मोलू सा, क्यूटू सा है। इसे बॉडी पर अप्लाई किया तो ये तो गया फिर, मतलब कि ख़त्म हो गया। मैं बिल्कुल स्मॉल सी अमाउंट लेकर अपने फेस पर मैं इसे अप्लाई करती हूँ सिर्फ, ताकि ख़त्म ना हो जाए। बहुत कंजूसों की तरह थोड़ा थोड़ा लेना। पैकेजिंग इसकी प्लास्टिक में दी गई है और यहाँ से कैप ओपन कर आप सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट लोगे जितनी आपको नीड है। बहुत ज़्यादा आ गया, वापस डालो। सिर्फ इतनी सी अमाउंट में ही प्रोडक्ट लेकर मैं इसे अप्लाई करती हूँ आफ्टर फेस वॉशिंग। ये ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है मेरे फेस पर। और खुशबू जो इसकी है ना, जैसा कि इसमें पपाया ऐड किया गया है, कोई हार्श इसकी खुशबू नहीं है, बहुत ही लाइट सी, धीमी सी, यानी कि इरिटेशन वाली इसकी खुशबू नहीं है, पपाया टाइप की है कि जैसे कोई इसमें फ्रूट ऐड किए गए हैं। बहुत मज़े की है। अगर विंटर में आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो ना, फेस वॉश के बाद आपने इस लोशन को अपने फेस पर अप्लाई करना है, सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप लेकर, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अगर गर्मियों में भी, जैसे कि मेरी तो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, मुझे गर्मियों में भी नीड होती है अपने फेस को मॉइस्चराइज करने की, मैं तो गर्मियों में भी इसे लगाती हूँ। सिर्फ गर्मियों में 1 ड्रॉप लेना है। और विंटर में अगर सर्दियों में लगा रहे हो तो 2 ड्रॉप लेकर अपने फेस पर फेस वॉश के बाद, और वो भी तब हमने इसे अप्लाई करना है अपने फेस पर कि जो फेस है वो कम्प्लीट ड्राई ना हो। हल्का हल्का सा जो वेट फेस होता है ना, यानी कि हल्का सा गीला, हल्का सा सूखा, इस टाइप का जब फेस होता है ना, तो तब इसे अपने फेस पर साथ ही फेस वॉश के फौरन बाद मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लिया करें। उसका फ़ायदा पता क्या होता है कि जो फेस है ना वो डीपली मॉइस्चराइज हो जाता है, हाइड्रेशन रहती है फेस पर और ग्लो भी आती है। ये सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए है। ये दोनों प्रोडक्ट मुझे नहीं पता कि ऑयली स्किन पर भी ये सूट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मेरी ड्राई स्किन है, मेरे लिए तो ये बेहतरीन से भी बेहतरीन है। ड्राई स्किन वाले तो फटाफट से इन दोनों प्रोडक्ट्स को परचेज करें। ऑयली स्किन वालों का मुझे नहीं पता। ऑयली स्किन वाले भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो किसी और की वीडियो देखकर, किसी और का रिव्यू देखकर अपनी मर्ज़ी से वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इसके ऊपर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये ऑयल स्किन टाइप के लिए है। सो खैर, यहाँ पर बात करते हैं जेड के इस तीसरे प्रोडक्ट की, जेड स्नो ग्लो ब्राइटनिंग करीम की। इसके डिब्बे के ऊपर ही हर चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी गई है। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला गया है। लोकेशन जो यहाँ पर बताई गई है, लंदन रोड इंग्लैंड बताई गई है। एक्सपायरी डेट भी मेंशन की गई है। 80 ml प्रोडक्ट इसमें मिलेगा। ये क्लेम करता है कि ये स्किन को विजिएबल फेयरनेस इफेक्ट देगा 8 दिनों के अंदर अंदर, और जो इसमें मेन स्टार इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं वो स्पीड से ब्राइटन अप करेंगे आपकी स्किन को। जैसा कि इस क्रीम का नाम ही स्किन ग्लो ब्राइटनिंग करीम रखा गया है, और मेन स्टार इंग्रेडिएंट है इसके विटामिन B3
सी एंड ई इसमें ऐड किए गए हैं। ये रिड्यूस करेगा डार्क स्पॉट्स को। SPF 15 इसमें ऐड है, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। जो इंस्ट्रक्शन इसके डिब्बी पर मेंशन की गई है सेम एज इट इसके जार पर भी वही कुछ मेंशन कर दिया गया, और बकायदा इसके ऊपर लिखा गया है कि बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसे दिन में 2 दफ़ा अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद मसाज करते हुए इसे अपनी स्किन में जज़ब करें। यहाँ से ओपन करते ही इस प्रोडक्ट को सील किया गया है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ से मैंने इसे ओपन किया था और अंदर आप प्रोडक्ट देखें कि अच्छा खासा प्रोडक्ट है इसमें, मतलब कि मैंने इसे यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने इसे थोड़ा सा यूज़ किया था जितना आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ 2 से 3 दिन ही मैंने इसे लगाया होगा, तो इसीलिए मैंने इसे यूज़ क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ना ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे मेरी ड्राई स्किन है मैंने बताया, मैं जब भी इसे लेकर अपने फेस पर लगाती थी ना तो ये चिपक जाता था, मतलब कि ये अच्छे से स्प्रेड नहीं होता था मेरे फेस पर, जहाँ पर भी अगर मैंने फिंगर से यहाँ पर प्रोडक्ट लगाया और मैं इसे स्प्रेड करने की कोशिश करती थी तो ये बस हल्का सा स्प्रेड होकर यहाँ पर ऐसे चिपक जाता था। बकायदा इस प्रोडक्ट को अपने फेस पर ब्लेंड करने के लिए मुझे यूँ अपने फेस को करना पड़ता था, तो तब कहीं जाकर ये ब्लेंड होता था, वरना अदरवाइज़ ये मेरी स्किन पर चिपक जाता था। तो वहीं से फिर मुझे हुआ कि नहीं, ये ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना उनके लिए तो ये बेहतरीन है, वो ये ख़रीद सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस क्रीम का क्लोजअप देती हूँ कि आप लोग देखें कि इस क्रीम के अंदर कहीं कहीं ना बीड्स पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, पिंक कलर के जो बीड्स कहीं कहीं इस करीम में नज़र आ रहे हैं, डे टाइम अप्लाई करने पर ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देंगे। डे टाइम लगाने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, डे टाइम अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो ना तो ये वाइटनिंग इफेक्ट देगा आपके फेस पर। जैसा कि इसके ऊपर मेंशन है कि ये SPF 15 है, मतलब कि ये आपको सन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अब ये यहाँ पर मेरी स्किन पर चिपक चुका है बिल्कुल भी, यानी कि ब्लेंड नहीं हो रहा अच्छे से, नज़र आ रहा होगा आपको अगर, ये मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई है ना इसे लगा के कि मुझे हाथ फेरने पे ऐसे ही फील हो रहा है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। जो लड़कियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं या जो जॉब करती हैं जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है कि वो लगा कर अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या जॉब्स जहाँ पर भी जाती हैं वो जा सकती हैं। जैसा कि मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया और मेरी ये ड्राई स्किन है, मुझे सूट नहीं बैठा कि मेरी स्किन पर ये चिपक जाता है। अब मैं इसे कैसे यूज़ करूँगी? मैं इसे ऐसे यूज़ करूँगी कि मैं थोड़ी सी अमाउंट में ये करीम लूँगी और उसमें 1 से 2 ड्रॉप इस लोशन के ऐड करूँगी और इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। कैसा जेट के मैंने सिर्फ इन तीनों प्रोडक्ट को यूज़ किया था जिसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जो भी था मैंने बता दिया, जो मुझे फील हुआ इसे यूज़ करने के बाद। बाकी इनके जो प्रोडक्ट हैं ना ही मैंने यूज़ किए हैं ना ही मुझे उनका कोई नॉलेज है कि वो कौन सी स्किन टाइप के लिए है या उनका कैसा रिजल्ट है। 650 या 700 की रेंज में मैंने इन तीनों प्रोडक्ट्स को बाय किया था, अफोर्डेबल हैं, मतलब कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं। जेड वालों से मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपनी प्राइजेज इंक्रीज़ मत करें, जैसे बाकी ब्रांडों ने इतनी अपनी प्राइजेज हाई कर दी हैं, इतनी इतनी इतनी, प्लीज़ आप लोग नहीं करें हाई। यही थी मेरी वीडियो, और अगर इन 3 प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।